हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी के नोट्स कक्षा 12 की जो पाठ्यपुस्तक है हिंदी की, आरोह भाग दो। तो फ्रेंड्स, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसके पिछले भाग में आप काव्यखंड से संबंधित कवियों और कवियत्रियों का संक्षिप्त परिचय पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे अभ्यर्थी जो आगामी एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही समूह गौ की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वे भी मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आपकी कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग दो, इसके गद्य खंड से हम लेखकों का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 12 की आरोह भाग दो, उसका जो काव्यखंड है उसके बाद आपका शुरू होता है गद्यखंड, जिसका पहला पाठ है यानी कि जो अध्याय 11 है आपका गद्यखंड का, वो है भक्तिन, जिसे लिखा है महान कवित्री महादेवी वर्मा जी ने। तो देखिए, ये इनके स्मृति की रेखाएं नामक संस्मरण से संकलित किया गया है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि भक्तिन किस संस्मरण में है संकलित है, तो ये है स्मृति की रेखाएं। तो आइए जानते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। महादेवी वर्मा जी, इनका जीवन काल है सन 1907 से लेकर 1987 तक। 1907 में ही हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। दूसरा, प्रमुख रचनाएं, तो देखिए काव्य संग्रह है इनके कुछ मुख्य, दीपशिखा, यामा इनकी क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसके लिए इन्हें। निबंध संग्रह, देखिए निबंध संग्रह कौन से हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। तो कई बार इसमें से श्रृंखला की कड़ियाँ का पूछा जाता है किस शैली की है, तो ये क्या है, निबंध संग्रह। इसके बाद आते हैं इनके संस्मरण। तो संस्मरण क्या हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ जिससे भक्तिन रेखाचित्र लिया गया है, पथ के साथी और मेरा परिवार। तीसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस कृति के लिए मिला? तो देखिए, इनकी कृति थी यामा, जिसके लिए सन 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब बात करें अगर यामा की, तो यामा में देखिए चार हैं इनके संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदिगी। तो इन चारों काव्य संग्रहों की कविताओं का इसमें संग्रह है। चौथा, महादेवी वर्मा जी को पद्म भूषण कब मिला? तो मिला सन 1956 में। पाँचवा, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा हैं छायावादी कवित्री। तो देखिए, छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, तो उन्हीं चार स्तंभों में एक हैं। छठा प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियाँ का प्रकाशन कब हुआ? तो इनकी जो श्रृंखला की कड़ियाँ थी उसका प्रकाशन हुआ सन 1942 में। सातवां, प्रस्तुत पाठ जो भक्तिन है, मैं लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। भक्तिन का नाम क्या है? उसका नाम है लक्ष्मीन। नौवा, आलो आधारी किसकी रचना है? तो जैसा कि पाठ के ही अंत में दिया गया है, ये है बेबी हालदार का की रचना। दसवां, देखिए महादेवी वर्मा के पालतू जानवर जिनका वर्णन मेरा परिवार में किया है, तो इस देखिए जो महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने कई पालतू पशुओं को पाला हुआ था और उन्हें परिवार का ही ये सदस्य मानती थी, तभी इन्होंने उनसे संबंधित लिखा मेरा परिवार। तो जैसे इनके पास थी सोना नामक हिरनी, बसंत था कुत्ता और गोधूली नामक बिल्ली। पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ, देखिए नहर क्या होता है, माइका। विधात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली माँ। पुरखिन का अर्थ होता है बुजुर्ग महिला। राब का अर्थ है गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस। अजिया ससुर, तो अजिया ससुर क्या होता है, पति का दादा। अब आइए इनके रेखा चित्र, देखिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो उनसे संबंधित कुछ हम जानकारी यहाँ पर, एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर उसका अध्ययन करते हैं। देखिए जो अतीत के चलचित्र है इसमें 11 रेखाचित्र हैं। कितने हैं? 11। रामा, और इसमें कौन से हैं रेखाचित्र? रामा, भाभी, बिंदा, साबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, घीसा। देखिए घीसा पूछा जाता है किससे है अतीत के चलचित्र, अभागी, स्त्री, अलोपी, बबलू, लक्ष्मा।
इसके अलावा दूसरा है इनका स्मृति की रेखाएं, जिसमें है 7 रेखा चित्र जिससे भक्ति में लिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ और भी हैं, जैसे चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरली बाबा, बिबिया और गुंगिया। इसके अलावा स्मारिका में इनके 4 रेखा चित्र हैं जो 4 भागों में है। पहला है पूर्व स्मरण, जिसमें गांधी जी के बारे में है। संत राजश्री, यह है पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में। जवाहर भाई और राजेंद्र भाई, तो जवाहर भाई जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, और राजेंद्र भाई जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी, उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, 12वां जो अध्याय है आपका बाजार दर्शन, जो एक निबंध है, और ये निबंध लिखा है महान जो मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार जी ने। इनका जीवन काल है सन 1905 से 1990। देखिए 1905 में ही क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। आइए जानते हैं जैनेन्द्र कुमार जी के बारे में। तो देखिए, कई बार हमें जीवन काल जो याद होते हैं, जन्म वर्ष वो याद नहीं होता है लेखकों का, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हम उसे किसी खास घटना से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, तो ऐसे जल्दी याद होती हैं। तो आइए जानते हैं जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में। प्रमुख रचनाएँ देखिए, उपन्यास हैं इनके प्रसिद्ध, परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानी संग्रह इनके वातायन, एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम देवी की राजकन्या, पाजेब, तो ये इनके क्या हैं, प्रमुख कहानी संग्रह। और निबंध संग्रह की बात करें, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके मुख्य निबंध संग्रह हैं। तीसरा, किस उपन्यास ने, जैसे आपको बताया गया था कि वे एक मनोविश्लेषणात्मक शैली वाले उपन्यासकार हैं, तो किस उपन्यास ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई, तो वो था त्यागपत्र, जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। और देखिए, त्यागपत्र में जो मुख्य पात्र है वो है मृणाल, ये ध्यान दीजिएगा। चौथा, जैनेन्द्र की कालजयी कहानियाँ, देखिए कालजयी कहानियाँ यानी कि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत। पांचवा, दुविधा कहानी किसके, देखिए पाठ के अंत में कुछ जो है अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे दुविधा कहानी किसकी है, तो दुविधा कहानी है विजयदान देथा, और दुविधा कहानी पर जो पहली फिल्म है उसका निर्माण हो चुका है। इसके अलावा पैसा पावर है, ये देखिए किस, जैसा लिखा है पैसा पावर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के वर्ड का यूज़ किया गया बीच में, तो इसे कहते हैं कोड मिक्सिंग, जब एक भाषा के बीच में दूसरी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा व्याकरण की बात भी करते हैं, पाठ में ही दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं निपात। निपात क्या होते हैं, ये होते हैं अव्यय, अव्यय जो 5 प्रकार के होते हैं, 5वां होता है आपका निपात, जिन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो निपात क्या होते हैं, अर्थ में बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है, यानी ये जो वाक्य होता है उसके अर्थ को मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे निर्बल ही धन की ओर झुकता है, तो देखिए यहाँ पर जो ही है, अगर हम कहें निर्मल धन की ओर झुकता है, तो देखिए एक सामान्य वाक्य है, लेकिन जैसे ही हमने कहा निर्बल ही, यानी कि केवल वही, यानी कि इससे वाक्य में बल मिलना। दूसरा, मैं भी दिल्ली जाऊँगा, यानी कि बिल्कुल कन्फर्म है, और बात क्या हो गई है, बिल्कुल उसमें बल मिल रहा है। अगर होता मैं दिल्ली जाऊंगा, वो तो क्या था, एक सामान्य वाक्य था कि जा भी सकते नहीं भी, लेकिन मैं भी दिल्ली जाऊंगा मतलब क्या है कि इस वाक्य को बल मिल चुका है। तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में बल देते हैं उसके अर्थ में, तो उसे बोलते हैं निपात। लोग संयम भी होते हैं, तो भी क्या है, निपात। मुझे भी किताब चाहिए, तो भी क्या है, निपात। इसके अलावा देखिए कुछ निपात यहाँ पर दिए गए हैं आपके सामने, जैसे ही, भी, तो आदि, तो इन्हें आप प्रयोग करके कुछ खुद भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद शब्दार्थ आते हैं कुछ पाठ संबंधित। असबाब, इसका अर्थ होता है समान। अकिंचित कर, इसका अर्थ होता है अर्थहीन। स्प्रिया, स्प्रिया का अर्थ होता है इच्छा या डिजायर।
चलिए आइए अगले पाठ की ओर चलते हैं। 13वां पाठ जो है काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने, जिनका जीवन काल है 1926 से 1997 तक। आइए जानते हैं धर्मवीर भारती जी के बारे में। पहला, धर्मवीर भारती जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में, जहाँ पर आपके हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं क्या हैं? सबसे पहले कविता संग्रह, तो देखिए कविता संग्रह इनके कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। फिर आते हैं कहानी संग्रह, बंद गली का आखिरी मकान। तो देखिए काफ़ी लिखे हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पर क्या है, बंद गली का आखिरी मकान दिया गया है पाठ में। उपन्यास है, देखिए उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इसके अलावा एक गीति नाट्य है इनका, अंधा योगी, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ निबंध हैं इनके, जैसे पश्यंती, कहनी अकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। देखिए ठेले पर हिमालय इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के हमें कई बार पूछे जाते हैं प्रश्न, क्योंकि ये देखिए कहानी जैसा लगता है ठेले पर हिमालय, जिसमें देखिए कई बार क्या होता है, संज्ञा जो होती है व्यक्तिवाचक, संज्ञावाचक कुछ आपके पाठों के नाम होते हैं उससे संबंधित, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है ये कहानी संग्रह है, लेकिन ये क्या है, आपका निबंध संग्रह। तीसरा, किस वर्ष धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला? तो ये मिला सन 1994 में सपना अभी भी के लिए। चौथा, धर्मवीर भारती मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के साहित्यकार हैं, तो ये इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता हैं। पाँचवा, इनके किस उपन्यास में मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संकट, नैतिक विचलन दिखाया गया है? तो वो है सूरज का सातवां घोड़ा। छठा, धर्मवीर भारती ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसी के नाम, इन्हीं के नाम से है, धर्मयुग। अगला, देखिए जो प्रश्न पत्र होते हैं कई बार उसमें पात्र भी पूछे जाते हैं कि ये पात्र किस उपन्यास से है, या इस उपन्यास का ये पात्र कौन सा है। तो आइए जानते हैं, गुनाहों का देवता, इसके जो पात्र हैं कुछ, सुधा चंद्र पम्मी। तो पात्र आप याद रख लीजिएगा, गुनाहों के देवता के सुधा चंद्र पम्मी। इसके अलावा इनका है सूरज का सातवां घोड़ा, जो है लघु उपन्यास। तो कितनी कहानियों का संग्रह है? तो इसमें तीन कहानियों का संग्रह है। सूरज का सातवां घोड़ा के पात्र, तो देखिए कुछ पात्र हैं, मणिक मुल्ला काफ़ी प्रसिद्ध है, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जमुना, लिली और सती। मणिक मुल्ला तो कई बार पूछा भी गया है, तो इसे भी आप रट लीजिएगा, सूरज का सातवां घोड़ा। अगला है, अंधा युग का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिए अंधा युग, इसे तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसके पाँच अंक हैं, पांच के पांच अंक आप याद कर लीजिएगा। तो इसका जो प्रमुख पात्र है अश्वत्थामा, तो इसमें जो कथानक है वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके आखिरी दिन जब युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद का इसमें वर्णन है, और इसमें पांच अंक हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। दसवां है शब्दार्थ, गुड़धानी, गुड़धानी क्या होता है, गुड़ व चने से बना लड्डू। पखवाड़ा, पखवाड़ा क्या होता है, 15 दिन की अवधि, पखवाड़ा या पखवाड़ा। हर छठ, हर छठ क्या होती है, जन्माष्टमी से दो दिन पूर्व मनाए जाने वाला त्यौहार, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आइए अगला पाठ देखते हैं, 14वां पाठ जो है पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार, उपन्यासकार, जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका जीवन काल है सन 1921 से 1977। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला है प्रमुख रचनाएं, तो इनका देखिए उपन्यास है मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस और कितने चौराहे। तो ये इनके क्या हैं, प्रमुख उपन्यास हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। कहानी संग्रह है ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। संस्मरण है इनके, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। रिपोर्ट आज भी लिखा है इन्होंने, नेपाली क्रांति कथा। कौन सी, नेपाली क्रांति कथा, ये इनका रिपोर्ट आज है, ये इनका रिपोर्ट आज है। और हिंदी का पहला रिपोर्ट आज किसे माना जाता है, वो माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। किसने लिखा था लक्ष्मीपुरा, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगला है रेणु रचनावली कितने में है, इनका जो समग्र साहित्य पाँच खंडों में प्रकाशित है, किस नाम से, रेणु रचनावली। दूसरा है रेणु जी किस तरह के उपन्यासकार हैं, जैसा कि आपको बताया गया था आंचलिक उपन्यासकार हैं।
तीसरा, उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मेला आंचल कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था सन 1954 में। अगला, पहलवान की ढोलक का पात्र, तो देखिए जो पहलवान की ढोलक ये है पाठ, इसका जो मुख्य पात्र है पहलवान वो है लुट्टन सिंह पहलवान। पांचवा, लुट्टन के गांव में, जो लुट्टन पहलवान था उसके गांव में कौन सी महामारी फैली जिससे उसके जो बेटे थे उनकी मृत्यु भी हो गई, तो हैजा व मलेरिया फैला था जिससे काफ़ी लोग मारे गए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों का संकलन किया है जो मुझे महत्वपूर्ण लगे। अगर आपको इससे अतिरिक्त भी कुछ पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण लगता हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कुछ आपको अगर नया प्रश्न संबंधित मिले। अगला प्रश्न, अगला पाठ है आपका 15वां, चार्ली चैपलिन यानी हम सब। अब देखिए, चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये लिखा है विष्णु खरे ने, तो ये सिनेमा साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, सिनेमा साहित्य के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा। विष्णु खरे जीवन काल है 1940 से 2018। आइए जानते हैं इनके बारे में। विष्णु खरे का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। दूसरा, विष्णु खरे की रचनाएं, तो कविता संग्रह है इनके एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, आलोचना है, आलोचना की पहली किताब, ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। और इसके अलावा सिनेमा आलोचनात्मक की पुस्तक है सिनेमा पढ़ने के लिए। विष्णु खरे के अनुवादित ग्रंथ, देखिए इन्होंने कुछ अनुवाद भी किए जैसे मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, ये किसका अनुवाद था, T.S. Eliot का। दूसरा, यह चाकू समय, यह किसका था, अतिला का, अतिनला का। काले वाला, काले वाला देखिए फिनलैंड का जो राष्ट्रकाव्य था उसका ये अनुवाद इन्होंने किया, किस नाम से, काले वाला। विष्णु खरे को किस देश का राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो देखिए इन्हें फिनलैंड का, फिनलैंड का जो राष्ट्रीय सम्मान होता है वो मिला था। पांचवा, ये किस देश के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब से जुड़े थे, तो किससे जुड़े थे, चेकोस्लोवाकिया से, चेकोस्लोवाकिया से जुड़े थे। आइए देखते हैं 16वां जो अध्याय है, नमक। नमक किसने लिखा है, रज़िया सज्जाद जहीरजी ने। इनका जीवन काल है 1917 से लेकर 1979 तक। देखिए 1917 में जो रशिया है, रूस, उसकी क्रांति हुई थी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप रजिया जी का जन्म। तो देखिए ट्रिक से क्या है, ये केवल याद करने के लिए है ट्रिक। पहला है, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अजमेर में, राजस्थान। दूसरा है, रजिया सज्जाद जी का उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है, तो उर्दू कहानी संग्रह है जर्द गुलाब। देखिए जौ के नीचे आपको बिंदा दिखाई दे रहा होगा, ये होता है नुक्ता बिंदु जो अरबी फारसी शब्दों में लगाया जाता है, तो ये कौन सा बिंदु है, नुक्ता बिंदु। अगला है, प्रस्तुत कहानी नमक किस विषय पर आधारित है, तो देखिए जो नमक है ये भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों तरफ से जो विस्थापित और पुनर्वासित लोग थे, तो पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है, तो इसमें उनके बारे में बताया गया है, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद दोनों तरफ से कई लोग विस्थापित हुए और कई पुनर्वासित। अगला है, नमक कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अन्य पुरुष शैली में। कुछ फिल्में व संबंधित रचनाएं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो देखिए कई जो महत्वपूर्ण उपन्यास रचनाएं हैं उन पर फिल्में भी बन चुकी है, तो यहाँ पर देखिए उपन्यास तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं, जैसे 1947 अर्थ, ये किस उपन्यास पर आधारित है, भीष्म साहनी जी के तमस उपन्यास पर। मम्मो ये है टोबा टेक्सी, किसने लिखा था, मंटो ने। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जो फिल्म है ये किस पर आधारित है, जिंदगी नामा नामक उपन्यास पर। जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा, कृष्णा सोपती जी ने। गदर, गदर किसका है, ये देखिए जो पिंजर उपन्यास था जिसे लिखा था अमृता प्रीतम जी ने, तो उस पर आधारित है, गदर एक प्रेम कथा सनी देओल जी की। अगला है खामोश पानी, खामोश पानी किससे लिखा गया है, झूठा सच उपन्यास जिसे लिखा है यशपाल जी ने, तो झूठा सच किसका उपन्यास है, यशपाल जी का। अगला है हिना, जो मूवी थी उसके जो है किससे संबंधित है, मलबे का मालिक, जो मलबे का मालिक कहानी है इसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। आइए पाठ से संबंधित, जो नमक पाठ है उससे संबंधित कुछ शब्दार्थ देखते हैं। अदीब, अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार।
बाजी, बाजी का अर्थ होता है दीदी। दोहर, दोहर का अर्थ होता है कपड़े को दोहरा कर सिली चादर, यानी कि दोहरा करके सिली गई चादर। तो अगला जो अध्याय है सीरीज के फूल, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, महान साहित्यकार और आलोचक। इनका जीवन काल है 1907 से लेकर 1979। देखिए 1907 में इनका भी जन्म हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म हुआ और महादेवी वर्मा जी का भी 1907 में हुआ। देखिए इस तरह से कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए याद करने के लिए हमें क्या है, हर तरह की ट्रिक्स का भी यूज़ करना है अगर हमें याद करने में कहीं पर परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले तो आइए बात करते हैं कि सीरीज फूल इनके किस संग्रह से लिया गया है। तो ये है कल्पलता से। किसे? कल्पलता से। कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। पहला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका हुआ था आरत दुबे का छपरा, बलिया, बिहार में। किस निबंध संग्रह पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था आलोक पर्व नामक निबंध संग्रह पर। प्रमुख प्रश्न है, तो देखिए निबंध संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध हैं इनके, अशोक के फूल, कल्पलता, कल्पलता निबंध संग्रह से ये पाठ है सीरीज के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, विचार पर्व, ये इनके क्या हैं प्रमुख निबंध संग्रह। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं काफ़ी, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी जोड़ी है। तो देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके पात्र निपुड़ी का है, जिसे पूछा गया है कई बार कि निपुड़ी का किस उपन्यास के पात्र, ये है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके अलावा चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, पुनर्नवा क्या है, ये जो शूद्रक हैं आपके संस्कृत साहित्यकार उनके मृच्छ कटिकम पर आधारित है, शूद्रक के मृच्छ कटिकम। अनामदास का पोथा, ये रैक्व आख्यान भी इसे कहा जाता है, इस उपन्यास का नाम। अगला है द्विवेदी जी की आलोचनात्मक, देखिए आलोचना के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो आलोचनात्मक ग्रंथ है सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। देखिए हिंदी साहित्य से संबंधित तीन भी पूछे जाते हैं कई बार। और ध्यान दीजिएगा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने कबीर दास जी को क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर, क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर, ये भी पूछा जाता है। पांचवा है द्विवेदी जी ने किन ग्रंथों का संपादन किया, तो ग्रंथ कौन से हैं, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, इनका क्या किया था इन्होंने संपादन, संदेश रासक अब्दुल रहमान, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद्रवरदाई जी का। सातवां है द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इन्होंने किया था विश्व भारती जी का, विश्व भारती का जो शांति निकेतन से निकलती थी। सातवां है स्त्री विमर्श पर आधारित द्विवेदी जी का उपन्यास, तो वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसका पात्र आपको बताया गया था अभी निपुड़ी का। आठवां है ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी में खिलने वाले सीरीज पुष्प को किसकी संज्ञा दी गई है, तो देखिए हालांकि उगता ये ज्येष्ठ माह की भीषण गर्मी में है, लेकिन इसे कहा जाता है शीत पुष्प। अब पाठ में कुछ देखिए एक्स्ट्रा जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे अरिष्ट वृक्ष, अरिष्ट वृक्ष क्या होता है, रीठा नामक वृक्ष। आर्गवत, आर्गवत क्या होता है, अमलतास, अमलतास का जो पौधा होता है उसे कहते हैं आर्गवत। हिल्लोल, हिल्लोल का अर्थ होता है लहर, जैसे पानी की हिल्लोल होती है, लहर होती है। दोहा, दोला, दोला का मतलब झूला। बकुल, बकुल क्या होता है, मौल सीरी का पेड़। तुंदिल, तुंदिल मतलब मोटे या पेट वाला या तोंद वाला, जिसकी तोंद हो। मर्मरित, मर्मरित क्या होता है, पत्तों की खड़खड़ाहट ध्वनि से युक्त जो होती है उसे बोलते हैं मर्मरित। अनाविल, अनाविल मतलब होता है स्वच्छ। कृषिवल, कृषिवल होता है किसान। तो देखिए आपका जो आरोह भाग दो पाठ्यपुस्तक है कक्षा 12 की, उसका अंतिम जो अध्याय है 18वां, वो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन पा सकें। तो आइए चर्चा करते हैं आरोह पाठ्यपुस्तक के अंतिम पाठ पर।
तो देखिए भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन काल है 1891 से 1956 तक, आइए जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 को महू मध्य प्रदेश में। अंबेडकर जी की पहली प्रकाशित कृति कौन सी है? तो देखिए इनकी है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो 1917 में प्रकाशित हुई थी। अंबेडकर जी की अन्य रचनाएं, वो उन्होंने जो प्रमुख भाषण दिए थे जैसे द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। और देखिए ये जो है इनकी द एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया ब्रिटिश इंडिया, तो ये क्या थी, इनकी पीएचडी की थीसिस थी जो उन्होंने 1916 में इन्होंने लिखी थी। द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। देखिए कितने ये प्रबुद्ध व्यक्ति थे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रचनाएँ लिखी हर क्षेत्र में। अगला, भीमराव जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखिए पत्रिकाएँ थी मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा वांग्मय कितने खंडों में है? तो इनका पूरा वांग्मय सारी रचनाएं 21 खंडों में प्रकाशित हैं। छठा, बाबा साहब ने जीवन भर सामाजिकता समानता के लिए संघर्ष किया। किसके लिए? सामाजिक समानता के लिए, कि सबको समानता का अधिकार मिले। सातवां, प्रस्तुत पाठ उनके किस भाषण से लिया गया है? तो ये जो पाठ है वो लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस भाषण से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये था कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 का अंतिम अध्याय, और इसी के साथ ये आपका आरोह के जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो भी यहाँ पर पूर्ण होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर किसी प्रश्न से संबंधित, किसी तथ्य से संबंधित कोई भी आपका विचार हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर कोई नए प्रश्न हो उसे भी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।